रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना जब आता है तो बचपन से आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है, मुख्तलिफ लोग इसके नाम रख देते हैं। यानी रमज़ान का महीना जब आता है तो ज़ाहिर इसके अंदर भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं। जैसे एक मैसेज ये चल रहा है कि मेरा नाम शाबान है, मेरा जो पड़ोसी है वो रमज़ान है, आपके घर आ रहा है। इसका एक बेटा जिसका नाम रोज़ा है और दो बेटियाँ हैं सहरी इफ्तारी। इस तरह करके मुख्तलिफ वो बनाकर इस हवाले से इरशाद फरमाए, रमज़ान की बेहरमती है क्या है? देखिए, इसको बेहुरमती तो नहीं कहेंगे, ना इसमें कोई उसकी तोहिन का इरादा होता है, लेकिन इस तरह के SMS से बचना ही चाहिए। सही यानी चूंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, शाबान ने इस तरह कोई बात कही नहीं है कि मेरा नाम शाबान तो मेरा भाई या मेरा पड़ोसी जो है वो रमज़ान, ऐसा जब है ही नहीं, वारिद नहीं हुआ, तो इस तरह के SMS करने से के महीने की जो खुशखबरी देगा वो उसके लिए जो है वो अपना जन्नत की जन्नत लाजिम हो जाएगी, जन्नत वाजिब हो जाएगी। इस्लामी महीनों में चलता है ये, चलता है। तो ये इस तरह का SMS ये नाजायज़ व हराम है। ऐसी कोई हदीस जो है वो मौजूद नहीं है कि जिसमें रमज़ान के आने की वजह से या किसी और महीने के आने के लिए जो है वो बिशारत दी गई हो कि उसकी वजह से जन्नत वाजिब हो जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इससे बचना चाहिए। लोग बड़े जो है वो जोश व खरोश के साथ करते हैं कि मैंने आपको सबसे पहले मुबारकबाद दी है, हालांकि वो हदीस पाक है ही नहीं। सही। तो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके जो इस्लामी SMS हैं, इस तरह के SMS ख़ास तौर पर उसकी उलमा से आप जो है वो वेरिफिकेशन करवा लिया करें, मालूम कर लिया करें कि ठीक भी है या नहीं है, ऐसे ही उसको आगे ना बढ़ाया करें।